منگول قوم کے بہادروں چنگیز خان کے شیر دل سپاہیوں آسمان کی مقدس روحوں نے چنگیز خان کو منگول قوم میں پیدا کیا آج صحرائے گوبی کے کونے کونے میں ہماری فتح کے نقارے رہے ہیں ہم تمہیں ہدایت دیتے ہیں کہ جس طرح ہم چنگیز خان کے وفادار رہے ہو اس مدت اسی طرح ہمیشہ وفادار رہنے کا اقرار کرو تاکہ ہم چنگیز کو دنیا کا فاتحہ دیکھیں تمہاری کی آرزو پوری ہو کو تیموجن کا عذاب قبول زندہ باد بندوسار خاکان آج کی فتح کے تمام قیدی ہمارے سامنے پیش کیے جائیں پیش کرو ہارے ہوئے تاتاریوں کی یہ نشانی بھی خوب ہے قیصر خاکان بوڑوں کو قتل کر دو اور نوجوانوں کو اپنی فوج میں شامل کر لو اور تاتاری عورتوں کو یہ فخر بخشا جائے کہ وہ بہادر منگول سپاہیوں کی بیویاں کہلائیں آج تو واقعی زندہ باد کیا حکم دیا ہے کہ تاتاری عورتوں کو فخر بخشا جائے کہ وہ بہادر منگول سپاہیوں کی بیویاں کہلائیں جواب میں یہ کبھی کبھی تو کمال کر دیتے دوستو خاکان کا حکم ماننا ہمارا فرض ہے چنگیز خان نے حکم دے دیا اور تیز خان اس تیزی سے حکم بجا لائیں گے کہ دنیا بے اختیار کے اٹھے گی کہ چنگیز چنگیز ہے لیکن تیز بہت تیز ہے میری جان اب تو سرکاری حکم ہو گیا ہے تو تم آ جاؤ اے شراب اے گردن نیچی گردن نیچی مقدس روح ہو تم نے ظلم کا تماشا دیکھ رہی ہو پھر بھی خاموش ہو یہ خونی تلوار تموجن چنگیز خان کی بہادر ماں کو بھلا تلوار توڑ کر کیا ملے گا کاش میں دنیا کی تمام تلواریں توڑ سکتی تاکہ یہ ظلم تو بند ہو جاتا ظلم نہیں بہادری کمزور پر طاقتور کا فتح پانا یہ قدرت کا قانون ہے یہی سبق تیموجن کو سکھا کر تم نے اسے انسان سے حیوان بنا دیا اب تو میری بھی نہیں سنتا کیوں سنے وہ جانتا ہے کہ آسمان پر مقدس روحوں کی حکومت ہے اور زمین پر بہادر منگول قوم کی تمہارا بیٹا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے فخر سے اپنا سر اونچا کرو تم میرے بھائی ہو یہی سوچ کر شرم سے میرا سر جھک جاتا ہے اس لیے کہ میں تمہارے بیٹے کو دنیا کا بادشاہ بنانا چاہتا ہوں کاش میرا بیٹا دنیا کا بادشاہ نہ بنتا ایک معمولی انسان بن سکتا پھر بہادر منگول قوم کے بہادر سپاہی یوں فتح کی خوشیاں نہ مناتے دیکھو Hey, 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 hey
जिंदगी है तेरे लिए कुछ तो मजा ले ले बुलाए किसको खबर रात ये फिर आए ना आए जवां है ये तो कहो मेरे खरीदार कहाँ है हाँ? चांद सितारे बिखरे हुए हैं, दिल में हंसी चारों तरफ बिखरे हुए हैं। चांद सितारे निखरे हुए हैं, जल में हंसी चारों तरफ बिखरे हुए हैं। जिसके पिता दिल है तेरा, जिसके पिता दिल है तेरा, उसका नाम ले ले सनम, उसका नाम ले ले। जाए लिया जाए लिया ए ले, जाए लिया जाए लिया ए ले। उसक जवां इश्क जवां झूम रहे दोनों जवां, उसक जवां इश्क जवां झूम रहे दोनों जवां। जिंदगी है तेरे लिए कुछ तो मजा ले ले। जाए लिया जाए लिया ए ले, जाए लिया जाए लिया ए ले, जाए लिया जाए लिया ए ले। तुमने हमारा हसीन ख्वाब छीन लिया बिंदुसार, काश तुम जरा देर से आती। आप परेशान क्यों हैं? बाहर आपकी फौजें फतह की खुशियां मना रही हैं और आप यहां अकेले? बिंदुसार, जब तक हम लड़ाई के मैदान में खून से खेलते रहते हैं तो किसी की याद तभी रहती है। जरा तन्हाई मिलती है तो उसका ख्याल सामने आ जाता है। कौन है वो? ऐसा राज तो इंसान सिर्फ अपने दोस्त से ही। सुनो बिंदुसार, जब हम एक मामूली सिपाही थे तो हमें एक दातारी हसीना अजरा से इश्क हो गया, लेकिन उसने हमारी मोहब्बत कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाप ने भी हमारी शादी की दरख्वास्त ठुकरा दी तो इस पर हमने उसका खून कर डाला। अजरा की मां इस सदमे से चल बसी और अजरा न मालूम अपने खानदान वालों के साथ कहां गायब हो गई। फिर हमने तमाम तातारी रियासतों को एक एक करके तबाह करना शुरू कर दिया। तैमूजन एक मामूली सिपाही से खाकान चंगेज खां बन गया, लेकिन तैमूजन के दिल की दुनिया उसी तरह वीरान। गुस्ताखी माफ खाकान, क्या आपको अब भी उम्मीद है क्या आप अजरा को हासिल कर सकेंगे? चंगेज ने जिंदगी में जो चाहा उसे हासिल किया या उसे बर्बाद कर दिया। खाकान, मेरे वतन हिंदुस्तान में मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से न मिले तो आप जानते हैं हम क्या करते हैं? क्या? परवाने की तरह खामोशी से जल जाते हैं, उफ तक नहीं करते। ये बुजदिल की मोहब्बत है, परवाने और सिपाही का क्या रिश्ता? हम तुम्हें अपनी मोहब्बत की कामयाबी दिखा।
जाकर इनको रिहा करो, मैं बाहर खड़ा हूं। मालिक साहब, तमाम लड़कियां कहां हैं? उस खेमे में। तुम लोग यहां से निकल जाओ, मैं उनको लेके आता हूं। चल घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, तुम्हारे आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओ, तुम हो? अबे कमाल नशा पट्टे का, पीने तक होश नहीं है। शराब पड़ोस में पड़े हुए तरस रही है और भाई इधर उलाल पड़ा हुआ है। और दो घूंट पी ले क्या? और नशे तो मैं पिला देता हूँ, ले पी। अरे शराबी के मुंह से शराब नौमीद लौट रही है, क्या बात है? अरे भाई ये तो सांस भी नहीं ले रहा है। अबे बदतमीज, शराब नहीं लेता तो ना सही, कम से कम सांस तो ले। उठ, अबे उठ, ताजो मारा है बिट्टा, देखो खून है। अरे तोड़ो नशा, मर गया। अरे तोड़ो नशा, मर गया, नशा मर गया, मर कौन हो तुम? एक इंसान। मंगोल खेमों में बिना इजाजत आने की सजा शायद तुम्हें मालूम नहीं। बहुत अच्छी तरह मालूम। मौत से कम सजा तुम दोगे नहीं और मौत से ज्यादा तुम दे नहीं सकते। हाँ, चंगेज तुम जैसे बेपाक और निडर आदमियों की कदर करता है। कैसर, इसे अपनी फौज में शामिल कर लो। शेर गुलामी से ज्यादा मौत पसंद करता है। जानते हो, तुम पहले तातारी हो जिसे हम अपनी फौज में शामिल होने की दावत दे रहे हैं। और मैं पहला तातारी हूं जिसे आपकी दावत कबूल नहीं। खामोश। चंगेज सिर्फ फरमान दिया करता है, शदीद सजा। ले जाओ इसे। जवान आदमी रोते हो, घबराओ ना, सब ठीक हो जाएगा। इसको पकड़ के रखो, मैं दवा लेके आता हूं। देखो तुम इसे रोज 3 दफा लगाए लगे। लो। हाय, मर गया। अरे मर गया, दो में से एक रह गई, दो में से एक रह गई। क्या हुआ? दो में से एक रह गई। अरे क्या रह गई? इस बेचारे की टांग टूट गई। टांग टूट गई? हाँ। अरे अरे बुड्ढा घर में है क्या? मर गए। दो में से एक रह गई, दो में से एक रह गई। अब तो इसकी टांग टूट गई। जल्दी देखो, दो में से एक रह गई है। कौन सा पाँव? देखो देखो। चल तू पर हट जा। अरे हकीम साहब, लड़की को देखने तो तुम्हारा हाथ बहुत कड़क है। चुप रह, ओके दो। अच्छा देखो देखो। मर गया। कामना, तलवार लेके आओ। क्या बात है? इनकी टांग काटनी पड़ेगी। काट डालो, काट डालो, कुछ परवाह नहीं, काट डालो। टांग? नहीं 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 नहीं। अरे ठहरो ठहरो, कौन सी टांग है? बाप का ही माल समझ रहे हो? कौन सी टांग है देख तो लेना तो, कौन सी? ठहरो ठहरो बताता हूँ। मेरे ख्याल में ये है शादी। ये टांग? हाँ हाँ, ये ये ये। नहीं 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 नहीं,
इतना तकलीफ नहीं है, शायद ये है मेरे ख्याल से। हाँ ये टांग या ये टांग? मेरे ख्याल में दोनों टांग काट डालो। दोनों टांग? अरे चलो चलो मैं बताता हूँ कौन सी है, मेरे को मालूम है कौन सी है, मैं भी देख लेता हूँ तकलीफ किसमें होती है। ए, ए, अरे इसमें तो तकलीफ ही नहीं है, अभी बताता हूँ। हाँ मेरे ख्याल से शायद ये होगी। अकीम साहब इसमें भी थोड़ी तकलीफ है, देखता हूँ मेरे ख्याल से शायद यही होगा। पावा ठहरना ठहरना, आप भी ठहरना। इसमें भी नहीं है अकीम साहब, बात क्या है? अरे अरे इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। पिट रहा होगा, पिट ले तो कम बहुत को, मेरा पांव दबा के चला गया था। तो बदला ले रहे हो तेज? अरे चंगेज चंगेज है मगर तेज बहुत। एक बार फिर बोलो, आपके तू बोल। चल तू ही। हमारे जासूसों ने खबर दी है कि नूरस्तान के ततारी मंगोल फौजों पर हमला करने का इरादा कर रहे हैं। वो इरादा कर रहे हैं, हम उन पर हमला करेंगे। आओ हमारे करीब आओ। खबरदार, ये हमारी मलिका है,
तुम ये गलीज हाथ जो लाखों बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं, इसे नहीं लगा सकते। देखते क्या हो, मासूम बच्चों का खून बहाना, कमजोरों पे हंसना, इंसानी खोपड़ियों पे चलना, यही तुम्हारी सेवा है। तुम इंसानियत के नाम पर एक सियार थप्पा हो। आइंदा आने वाली नस्लें तुम्हें चंगेज खां के नाम से नहीं, शैतान के नाम से मासूम करेंगे। नहीं, तुम नहीं मर सकती, तुम नहीं मर सकती। तुम मेरी जिंदगी हो आजरा, तुम मेरी जिंदगी हो आजरा। अजरा तुम्हारी जिंदगी है। अजरा तुम्हारी जिंदगी होती तो अजरा और जोहरा में तुम्हें पहचान होती। क्या बकते हो? ठीक कहता हूं, ये अजरा नहीं उसकी बहन जोहरा है। तो अजरा कहां है बोलो, जवाब क्यों नहीं देते? जवाब एक शर्त पे दूंगा। क्या? हमारे कबीले की जान बख्शी। हम वादा करते हैं। तो सुनो, अजरा सुल्तान वांग के किले में है। सुल्तान वांग, सुल्तान वांग के किले में अजरा। चिड़िया को छोड़ दो, इस वीराना में तुझे मुझसे कोई आसमानी रूह भी नहीं बचा सकती। कौन हो तुम? चंगेज का सिपाही रंगरेज, तुझे देखा दिल हिल गया। चंगेज के सिपाही का दिल भी होता है? उन्हीं सिपाहियों ने मेरे सारे खानदान को बर्बाद किया है। उस जालिम चंगेज ने मेरे बाप का खून किया है। लेकिन मुझे तो तुम्हारे खून से प्यार है, मैं तुम्हें दिल की मलिका बनाना चाहता हूँ। दूर रहो, हम किसी के दिल की मलिका बन चुके। लेकिन हुकूमत तो हजार दिलों पे कर सकती है। तुम ठीक कहते हो, मुझे कोई उम्मीद नहीं। हाँ, जब से तातारी कैदियों को उन्होंने चंगेज के हाथ से रिहा किया है, उनका दिमाग आसमान पर पहुंच गया है। तातारी सुल्तान ने उन्हें कमांडर क्या बनाया,
हुजूर हमें सूरज ही नहीं दिखाते। लौट के आना होगा, आहे भज भज हमको मनाना होगा, आहे भज भज हमको मनाना होगा। लौट के आना होगा, आहे भज भज हमको मनाना होगा, आहे भज भज हमको मनाना होगा। हमने किया है ऐसा जादू, हमने किया है ऐसा जादू, रह न सकेगा हमसे जुदा तू, हमसे जुदा तू सनम, हमसे जुदा तू। सारे दिन दिन गम को भुलाना होगा, सारे दिन दिन गम को भुलाना होगा। ओ दुपटा 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 लौट के आना होगा, आहे भज भज हमको मनाना होगा, आहे भज भज हमको मनाना होगा। ओ हाथ छुड़ा के आओ पढ़ोगे एक दिन आके, आओ पढ़ोगे सनम एक दिन आके। अजी कभी तो हमारा भी जमाना होगा, अजी कभी तो हमारा भी जमाना होगा। ओ रुक जा रुक जा रुक जा लौट के आना होगा, आहे भज भज हमको मनाना होगा, आहे भज भज हमको मनाना होगा। आएगा कोई हमको मनाने, आएगा कोई हमको मनाने, हम भी करेंगे लाख बहाने, लाख बहाने सनम लाख बहाने। कहाँ बोलिए हुजूर का ठिकाना होगा, कहाँ बोलिए हुजूर का ठिकाना होगा। ओ रुक जा रुक जा रुक जा लौट के आना होगा, आहे भज भज हमको मनाना होगा, आहे भज भज हमको मनाना होगा। मैं तुम्हें मनाऊं? मैंने तुम्हारी मोहब्बत देख ली और मैंने तुम्हारी अंगूठी। मंगोल हमारी सरहद में दिन ब दिन बढ़ते आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होगा। चंगेज खान के दाएं बाजू कमांडर बिंदुसार सुल्तान के हजूर में बारियाबी चाहते हैं। आने दो। सुल्ताने आली को बिंदुसार का आदाब कबूल। बिंदुसार शेरवा, शेर साले मंगोलों की इज्जत नहीं करता। शेरवा सुल्ताने आली, हम एक बहादुर के हमले को बुरा नहीं माना करते, इन्हें ताना देने का हक। शेरवा पहला तातारी जो चंगेज खान की तलवार के साये तले तातारियों की जिंदगियां बचाई और सलामत चलाए। तशरीफ आवरी का मकसद? खाकान चंगेज खान ने पैगाम भेजा है, आपकी सल्तनत जंग के शोलों से महफूज रह सकती है अगर आप एक हसीना को उनके हवाले कर दें। खाकान उस हसीना को अपनी मलिका बनाने का फख्र देना चाहते हैं। तातारियों के मामले में वो इतने नरम दिल हो गए?
ये सुनकर हमें ताज्जुब है। हम एक लड़की की खातिर हजारों इंसानों को जंग के शोलों में धकेलना नहीं चाहते। सुल्तान आली बजा फरमाते हैं, सारी कौम की बेहतरी इसी में है। कौम की बेहतरी तो इसी में है, लेकिन सुल्तान आली आप ये ना भूलिए, औरत कौम की इज्जत होती है। आप एक औरत नहीं देंगे बल्कि कौम की इज्जत देंगे। लाखों जिंदगियां बचाने के लिए हम एक जिंदगी की परवाह नहीं कर सकते। आप जिंदगियां बचाने के लिए इज्जत को बेच रहे हैं। कल को तवारीख ये ना कहे कि तातारियों की इज्जत का जनाजा चंगेज खान के कंधों पर नहीं बल्कि उनके अपने ही सुल्तान के कंधों पर था। चंगेज खान का मुतालबा हमारी बेइज्जती नहीं, इज्जत अफजाई है। कमांडर बिंदुसार, हसीना का नाम नूर कबीले की लड़की अजरा। अजरा बिंदु सर, दराए गोभी के खाकान चंगेज खान से कह दो कि मोहब्बत मोहब्बत का फरमान सुना करती है, बादशाहों का नहीं। शेरवा, तुम अपने दिल की तरफ देखते हो, हमें सल्तनत की तरफ देखना है। बिंदुसार, अजरा चंगेज को मिलेगी, रियाया की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। अगर कमजोरी का सहारा लेकर आप रियाया की हिफाजत करना चाहते हैं तो एक दिन आप हिफाजत नहीं कर सकेंगे। ये एक औरत की इज्जत का सवाल है, और जिस सल्तनत में औरत की इज्जत महफूज नहीं, वो सल्तनत देर तक जिंदा नहीं रह सकती। खाकान को यकीन दिलाइए कि उजरा को लेकर हम खुद हाजिर होंगे। उजरा, शेरू, शेरू, जालिम चंगेज ने मेरी बहन का खून कर दिया है। हसूरा की मौत से मेरा सारा खानदान खत्म हो गया। लेकिन उस जालिम का जुल्म खत्म नहीं हुआ, तब उसने सुल्तान से तुम्हें मांगा। मुझे तो उस खूनी को मेरा भी पता मालूम हो गया है, और अपने सुल्तान ने तुम्हें उसके हवाले करने का इकरार भी कर लिया है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। चंगेज तक पहुंचने से पहले अजरा मौत को गले लगा लेगी। जब तक मेरे जिस्म में खून की एक भी बूंद बाकी है, तुम्हें मुझसे कोई अर्ज नहीं कर सकता। चलो जरा, यहाँ के सुल्तान उसकी सल्तनत से दूर भाग चले। शेरवान, आज तुम हमारे हजूर में सिपह सालार बनकर नहीं, मुल्जम बनकर खड़े हो। एक तरफ तुम्हारा वतन है, दूसरी तरफ तुम्हारी मोहब्बत। नहीं सुल्तान आली, एक तरफ इज्जत की मौत है और दूसरी तरफ जिल्लत की जिंदगी। शेरवान, अजरा से तुम्हारी मोहब्बत का हमें इल्म है। आशिक बनकर ना सोचो, वतन का खादिम बनकर सोचो। उस वतन का खादिम बनूं जो एक औरत की इज्जत नहीं बचा सकता? अजरा, शेरवान तुम्हारी मोहब्बत में दीवाना होकर अपना फर्ज भूल चुका है। हम तुम्हारा फैसला सुनना चाहते हैं। एक तरफ तुम्हारी मोहब्बत है, दूसरी तरफ सारी सल्तनत। जवाब देते वक्त ये याद रहे अजरा कि तुमने सुल्तान को हमेशा बाप का दर्जा दिया है। सुल्तान आली, बाप बेटी की हिफाजत किया करता है, उसका सौदा नहीं। अजरा, तुम्हारे सुल्तान का यह फरमान है कि अपनी सल्तनत को बचाने के लिए तुम्हें चंगेज की मलिका बनना पड़ेगा। आली जान, अजरा किसी के हाथ बिक चुकी है, और बिकी हुई चीज को यह हक नहीं होता कि वो अपने खरीदार को बदल दे। तुम हमारी नरमी को सख्ती में तब्दील करने के लिए हमें मजबूर कर रही हो। आली जा, सुल्तान बनकर नहीं, एक बाप बनकर सोचिए। अगर आपकी बेटी किसी को अपनी जिंदगी का रफीक बना चुकी हो और एक जालिम उसकी मोहब्बत पर डाका डालना चाहता हो, तो आप क्या करेंगे? आली जा, चंगेज खान ने अजरा को मांगा है, काश आपकी बेटी को मांगा होता तो फिर मैं देखती कि इतनी आसानी से आप अपनी बेटी को चंगेज के हवाले कैसे करते। ले जाओ इन्हें। चंगेज की खिदमत में जाना होगा, हर हाल में जाना होगा। हर हाल में नजराना से मिलूंगा। रात को वो अपने खेमे में अकेली सोई हुई होगी, पूछ फिर
फिर मैं कहूंगा नजराना मैं हूं तेरा दीवाना। अब के तू पूछ फिर वो कहेगी कि तेज कर इश्क से परहेज। अब के तू पूछना फिर मैं कहूंगा नजराना भर दे मेरे इश्क का पैमाना। अब के नहीं तू नहीं तू पूछ फिर वो तो ठीक है जब उसका बाप चमगादड़ लाठी करेगा रवाना तो फिर कहाँ होगा तुम्हारा ठिकाना। चुप अबे कभी तो कुछ अच्छी बात मुझसे बोला कर मैं उसको भी जानता हूँ मिटाना। तो तेज खा फिर हो जा तेजी से रवाना। हो जाओ चंगेज चंगेज है पर तेज बहुत। मैं भी करता हूँ तुम्हारा ठिकाना। अब कुछ तो बोलो ये क्या कर रहे हो। तू चुप रह चल तू जा मेरे बिस्तर पे सो जा चल जा। तेरा जूता काश मैं तेरा जूता ही होता तो कम से कम तेरे कदमों से तो लगा रहता और जब वो तेरा चमगादड़ बाप आता तो वो खोपड़ी पे पड़ा पड़ पड़ता कि सर का एक बाल नजर नहीं आता। इस जूते में जाने वाले पांव कहाँ हैं। माफ करना गर्दन है क्या ये तो वाकई पांव है। अरे वाह कितने मुलायम पांव जैसे कंधार की मखमल। नाराज हो गई नजराना इतनी जोर से लात क्यों मारती हो। उठो तो सही देखो तुम्हारा दीवाना हथेली पे जान रख के दिल का नजराना लेकर आया है। इधर देखो नजराना सच कहता हूँ तुम्हारा खूंसट बाप भी आज नहीं है इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इधर देखो नजराना मेरी नजराना चेहरे पे जुल्फ रखे। अरे अरे काटती हो अच्छा काटो काटो और काटो 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 और काटो और काट लो अच्छा काटो काटो काटो। छोड़ेगा सुल्तान बांग। आज तुमने मंगोलों और तातारियों की नफरत को मोहब्बत में बदलने का पहला कदम उठाया। अजरा को बड़े एहतराम से में ले जाया जाए और सुल्तान की खूब खातिर तवाजे की जाए। तखलिया अजरा आज फिर तुम हमारी निगाहों के सामने आ गईं। दुनिया कहती है कि चंगेज फतह पर फतह हासिल कर रहा है लेकिन हमारा दिल कहता है कि आज हमारी पहली फरेब। फरेब और चंगेज से कौन है ये लड़की। मैं पूछता हूं कौन है ये लड़की। एक सल्तनत की शान एक बाप की इज्जत
क्या मतलब? वो हमारी बेटी। तुम्हारी बेटी? हमें तुम्हारी बेटी से कोई सरोकार नहीं, हमें अजरा चाहिए। बताओ वो कहाँ है? अजरा किसी और से मोहब्बत करती है और इसीलिए हम अपनी बेटी की कुर्बानी के लिए तैयार हुए, क्योंकि रियाया की हर लड़की अपने बादशाह की बेटी होती है। जिंदाबाद सुल्तान बिंदुसार। माफ कीजिए खाकान, सुल्तान की इस हैरत अंगेज कुर्बानी को एक हिंदुस्तानी ही समझ सकता। खामोश, कहाँ है वो इस वक्त? वो चली गई। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? इसके बेबाक कदमों और समंदर की तूफानी लहरों को कौन रोक सकता है चंगेज? हम तुम्हें रोक कर दिखाएंगे। कैसर, ले जाओ इसे, और जब तक अजरा का पता ना चले इसको जंजीरों में जकड़ कर रखो। बिंदुसार, इसकी रियासत के कोने कोने में अजरा की तलाश की जाए। शेरवा तुम आओ। शेरवा। हाँ दूर, जब इंसान के लिए दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो दोस्त के दरवाजे पर दस्तक दिया करता है। मैं तुम्हारे पास पनाह लेने आया हूं, अगर अकेला होता तो तलवारों की छांव में दिल के अरमान निकालता, लेकिन उजरा। मैं तुम्हारी मुसीबतों की दास्तां सुन चुका हूं शेर, मेरा गरीब खाना तुम्हारा ही है दोस्त। आओ आइए। कहीं हमारी मुसीबत आपकी मुसीबत ना बन जाए। शेरवा मुझे अपने भाई से भी ज्यादा अजीज है। भाई कुदरत देती है और दोस्त इंसान खुद चुनता है। ठीक है संगामा, मैं अभी मालूम करता हूं। शेरू, बहादुरों के दोस्त भी बहादुर हुआ करते। क्या बात है दूर, हम जानना चाहते हैं तुमने इस मुसीबत को अपने घर में पनाह क्यों दी? मुसीबत? मैंने मुसीबत को नहीं, एक दोस्त को पनाह दी है। शेरवा तुम्हारा दोस्त है तो क्या हम दुश्मन हैं? एक दोस्त के लिए सारे कबीले का खात्मा चाहते हो? इन दोनों को हमारे हवाले कर दो। हम इन्हें चंगेज के हवाले करके अपने कबीले को जंग के शोलों से बचा सकते हैं तूर? हरगिज नहीं, पनाह में आया हुआ दोस्त खुदा का दर्जा रखता है, और खुदा के लिए कबीला तो क्या, दोनों जहान कुर्बान हो सकते हैं। तुम हट जाओ, हम खुद उनसे निपट लेंगे। इंसान तो क्या, आसमानी ताकतें भी अगर उतराएंगी तो तूर अपना सीना तान कर खड़ा हो जाएगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, खत्म कर दोगे। दोस्त को अकेले कुर्बान नहीं होने दूंगा। मत जाओ शेरू, दोस्ती के दामन को थप्पड़ लग जाएगा। Thank you.
के डर से इंसानियत का खून कर रहे हो। मोहब्बत की बदुआ से डरो और सारी बस्ती को खाक कर देंगे। जिंदगी भी कुर्बान कर सकते हैं। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम रो क्यों रही हो? बोलो क्या तकलीफ है? मेरे महबूब की जान खतरे में, क्या क्या आप उन्हें बचा सकेंगे? कहाँ है वो? आइए मेरे साथ, मैं बता। शेरू, मैं आ गई। ये फरिश्ते हैं, इन्होंने मुझे बचाया है। ये तो क्या हुआ शेरू, तुम खुश नहीं? ये तुम्हें भी बचाएंगे। अजरा, गिरफ्तार कर लो इन्हें। क्यों चुप क्यों? क्योंकि आप दोनों की गिरफ्तारी के लिए खाकान चंगेज ने मुझे भेजा। चंगेज, तो तुम भी? लेकिन तुमने तो मुझे बहन कहा है ना। उन भेड़ियों का क्या भरोसा? सिपाहियों, अपना काम करो। भाई का फर्ज तुमने खूब निभाया है। मैं अपना फर्ज खूब जानता हूँ। ले चलो इन। हकीम साहब, उस्ताद आजम की तबीयत बहुत खराब है, आपको जल्दी से बुलाया है। तबीयत खराब है? जी हाँ। तुम धरो, मैं अभी आता। चलो। बुड्ढा तो दफा हुआ। नजराना, तुम? हाँ मैं। ये क्या हमेशा दवाई घोटती रहती हो? अंगूर खाओ अंगूर। लेकिन अब्बा आ जाएंगे। अब्बा आप कैसे आ सकते हैं? अब्बा की तो आप खबर ही आएगी। मैंने घिस्सा देकर उस्ताद के पास पहुंचा दिया, वो उस्ताद के पास जाएंगे और उस्ताद बीमार है ही नहीं, और उस्ताद से पूछेंगे तबीयत कैसी है, उस्ताद को आ जाएगा था और दो चार महीने के लिए बुड्ढा अंदर। इस दरमियान हम लोग शादी कर लेंगे, समझ गई ना? अंगूर खाओ अंगूर। नहीं। खाओ खाओ।
तुम भी तो खाओ ना। मेरे लिए तो तुम्हारे वो चमगादड़ बाप ने अंगूर खट्टे कर रखे हैं, तुम खाओ। अरे मेरी टोपी, मैं तेरा अपनी टोपी ले आऊं। खाओ ना, चमन के हैं। तुम खिलाओ ना। अच्छा ये लो खाओ, पूरा गुच्छा खाओ। अब तुम मुझे खिलाओ, खिलाओ ना। काली दे दी, कोई परवाह नहीं, हम साफ किए लेते हैं। नजराना, तुम हमसे शादी करोगी ना, बोलो ना। हाँ। अरे वाह, फिर तुम अपने वो चिमगादड़ बाप को छोड़ दोगी ना। अरे वाह, ये लो अंगूर। किस मनहूस का नाम ले लिया तुमने अब्बा, फिर उस गधे का नाम ले रही हो, ये लो खाओ। मर गए। आप भी अंगूर खाएंगे? अभी खाता हूँ। खाते हैं ना। सामना सामना। मगर अंगूर कम पड़ जाएंगे। अंगूर कम नहीं पड़ेंगे। जी हुजूर। आज ही सिर्फ छोड़ो। मर गए। अरे बाप रे, मर गया हकीम साहब। पकड़े इसको, आप क्या देखते हो मेरा मुंह? पकड़े, मर गया हकीम साहब। इसको मारो हकीम साहब, हकीम साहब मारो इसको। मर गया, मर गया, मर गया। अरे बाप, छोड़ दो, मारो इसको। मर गया, मर गया, क्या देखते हो, मारो। ये होना लिखा है, हाय मेरे मुकद्दर में रोना लिखा है। ये हो कर रहेगा, ये होना लिखा है, हाय मेरे मुकद्दर में रोना लिखा है। ना मंगनी मांगे तर, ना शादी ना गाना, ना वसले मोहब्बत ना आंखें लड़ाना। ना मंगनी मांगे तर, ना शादी ना गाना, ना वसले मोहब्बत ना आंखें लड़ाना। न जुल्फों में दिल को परोना लिखा है, हाय मेरे माथे पे रोना लिखा है। हसीनो अकेला हूँ, मुझको बचाओ, अरे जालिमो खौफ मालिक का खाओ। हसीनो अकेला हूँ, मुझको बचाओ, अरे जालिमो खौफ मालिक का खाओ। मेरा दिल तुम्हारा खिलौना लिखा है, हाय मेरे हाथों पे रोना लिखा है। कोई मेरा पीछे नहीं नाम लेगा, कोई अब्बा कह के ना आवाज देगा। अब्बा, ए अब्बा, अब्बा। कोई मेरा पीछे नहीं नाम लेगा, कोई अब्बा कह के ना आवाज देगा। मेरी नस्ल को बंद होना लिखा है, हाय मेरे मुकद्दर में रोना लिखा है। ये होकर रहेगा, ये होना लिखा है, हाय मेरे मुकद्दर में रोना लिखा है। देने वाली एक सल्तनत है, बहादुर उसे जीता करते,
छीना नहीं करते। तुमने ठीक कहा हमारे दोस्त, अरे हरम में ले जाओ। उजरा की जगह तुम्हारे हरम में नहीं, हमारे दिल में। ओ बागी तातारी, तुम? हमने सोचा था हमारी तलवार तुम्हें किसी मैदान जंग में तोलेगी, लेकिन शायद तुम्हारी मौत ने इंतजार नहीं किया और तुम चंगेज से मैदान मोहब्बत में टक्कर लेने आ गए। शेर दोनों मैदानों में टक्कर लेने को तैयार है। खामोश पैसर। सार। माफ कीजिए खाकान, अजरा ने मुझे भाई कहा है। एक हिंदुस्तानी खुद खाक में मिल सकता है, लेकिन अपनी बहन की तमन्नाओं को खाक में मिलते हुए नहीं देख सकता। काश कि तुम हमारे दोस्त न होते। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं, नहीं, नहीं। मरेंगे तो दोनों, अकेले नहीं। देखता क्या जल्लाद, घूमते तलवार मेरे सीने में ताकि दुनिया ये कह सके कि चंगेज बहादुर नहीं पुश्तिल है, नेत्थो व्यवहार करता है। बागी, इस वक्त तुम जंग के मैदान में नहीं, हमारी कैद में हो। तभी तो तुम्हारी ये जरूरत है, तलवार दो और देखो तमाशा। उठाओ तलवार। उजरा, उजरा, ले जाओ उसे, ले जाओ। तबीब, तबीब। तबीब, वजह? दिल पर गहरा सदमा। दिल पर गहरा सदमा। करम, 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 आसमानी रूहों का करम। क्यों तबीब, मरीजा की तबीयत कैसी है? उस्ताद, मरीजा को होश में आने के लिए अकेला छोड़ना होगा। हम अजरा के पास से नहीं जाएंगे। हाकान, आपके जलाल से मरीजा होश में आकर घबरा ना जाए। तबीब साहब बजा फरमाते हैं, चलो तो मोजन। आओ चलो चलो। कमोजन, ये बादलों की गरज सुन रहे हो? काश ये बादलों की गरज अजरा की आवाज बन जाए। काश ये परेशानी किसी सल्तनत को जीतने के लिए होती, एक मामूली लड़की के लिए नहीं। वो लड़की न होती तो आज आपका ये ख्वाब पूरा ना होता। सराय गोभी की बस्तियों में जो आग भड़की थी, वो आग चंगेज के दिल की आग थी जो अजरा की तलाश में सुलग रही थी। अजरा के बगैर चंगेज की जिंदगी नामुकम्मल है। तमोजन, अजरा की जुदाई ने तुम्हें फातह बनाया था, अजरा की मुलाकात ने तुम्हें बुजदिल बना दिया। भूल जाओ तमोजन, उसे भूल जाओ। देखो देखो, तूफानी बारिश आ रही है, चारों तरफ सैलाब आ जाएगा, तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। ख्वारज़म, गुराकरम, खुतीन, बिशबालक, सब आबादियां तुम्हारा इंतजार कर रही। कूच का हुक्म दो तमोजन, अभी इसी वक्त, वरना एक बरस तक ख्वारज़म नहीं पहुंच सकोगे, नहीं पहुंच सकोगे। क्या सोच रहे हो तमोजन, कोई तदबीर करो। उस्ताद, अजरा को होश में लाने की क्या तदबीर हो सकती है? वो तदबीर तुम सोचो, मैं कूच का हुक्म देता हूं। नहीं उस्ताद, नहीं, अब ये कदम अजरा को साथ लेकर ही आगे बढ़ेंगे। वो फलादी इंसान जिसने तमाम दुनिया को फतह करना था, एक औरत के सामने एक लड़की कदमों में अपने हथियार फेंक बैठा। हम्म,
बिंदू साहब, मैं तुम्हारी कदर करता हूं। मेरी तरह तुम भी अपने असूलों के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हो। ये तारीफ मतलब से खाली नहीं उस्ताद। ठीक, बगैर मतलब के कौन किसके पास आता है। देखो बिंदू साहब, हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन वो एक ही मरकज पर जाकर मिल जाते हैं, और उस मरकज का नाम है अजरा। मतलब ये कि हम दोनों अजरा को तमोजन से दूर रखना चाहते हैं। तुम अजरा की मोहब्बत बचाना चाहते हो, और मैं तमोजन को अजरा से दूर ले जाकर सारी दुनिया पर मंगोल कौम का झंडा लहरा देना चाहता हूं। आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो बिंदु साहब, खोल आंखें अपने ख्वाब नाज से, जाग मेरे प्यार की आवाज से। जिंदगी बेताब है तेरे लिए, आ गले लग जा उसी अंदाज से। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। ये कह दो मौत से जा कर के एक दीवाना कहता है, ये कह दो के एक दीवाना कहता है, कोई दीवाना कहता है। मेरी रूह है मोहब्बत मुझसे पहले मर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। चलिया ओ मेरी जाने तमन्ना दिल की महफिल में, चलिया 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 दिल की महफिल में मेरी जान, दिल की महफिल में। तुम मुझसे दूर हो उल्फत गवारा कर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। चलिया चलिया
कुमार ने गद्दारी की, वरना दुनिया की कोई ताकत अजरा को हमारे हाथ से नहीं ले जा सकती थी। कैसर हकान, हमारी तमाम फतह की हुई तातार रियासतों को हुक्म दिया जाए कि वो बहुत जल्द इन तीनों को हमारे सामने पेश करें। लेकिन तुमोजन, बिंदुसार तातारी रियासतों का कभी रुख नहीं करेगा, वो ख्वाजम होता हुआ हिंदुस्तान जाएगा। बिंदुसार ख्वाजम के सुल्तान जलालुद्दीन का दोस्त है और जलालुद्दीन हिंदुस्तान के बादशाह तमशका। कैसर, तुम फौरन ख्वाजम जाओ और जलालुद्दीन से कह दो कि अगर बिंदुसार को पना दी तो ख्वाजम को हमेशा के लिए खाक में मिला दिया जाएगा। ये मत भूलो तमोजन कि राह में आने वाली दुश्मन रियासतें हरगिज कैसर को रास्ता नहीं देंगी। रास्ता नहीं देंगी तो चंगेज उन सबको तरबाला कर देगा। खोतीन, पुराक्रम, अर्जरम, बिशबालक, उजुन कौम, ख्वारजम, सब खाक का ढेर बना दिए जाएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुकद्दस रूहों की कसम तमोजन, उसी खाक के ढेर पर तुम्हारी मोहब्बत का महल बनेगा और मेरी फतह का। कुछ रास्ते में क्या क्या मुसीबतें नहीं आई, कि तुम्हारी हिम्मत थी। तुम्हारी मोहब्बत का सहारा था। यहाँ ठहरना अच्छा नहीं, अजरा हिम्मत करो, मेरे साथ आओ। अच्छा तुम यहाँ इंतजार करो, मैं जाता हूँ। कहाँ? ख्वारज़म यहाँ से नजदीक, वहां का सुल्तान मेरा दिली दोस्त है, उससे मदद लेकर किसी काफिले के साथ हिंदुस्तान की सरहद पर पहुंचने की कोशिश करता हूँ। एक बार हम हिंदुस्तान की सरहद पर पहुंच गए फिर खाकान चंगेज खान हमारी गर्द भी नहीं छू सकता। हमारी दोस्ती तुम्हें बहुत महंगी पड़ी। ऐसा मत कहो, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा शुक्रिया। सुल्तान जलालुद्दीन की खिदमत में बिंदुसार का आदाब कबूल। नहीं, तुम ना उम्मीद नहीं लौटोगे सार। तो जलालुद्दीन? हमारा नाम सुनते ही वो तख्त ताज छोड़कर भाग गया। चंगेज का पंजा कहां तक पहुंच सकता है ये तुमने देख लिया? अजरा कहां है? मैं पूछता हूं, अजरा कहां है? अगर इस सवाल का जवाब देना होता तो बिंदुसार ये कदम ही नहीं उठाता। हमें एक दोस्त के सीने में खंजर घोंपने के लिए मजबूर ना करो। एक हिंदुस्तानी के लिए इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है कि उसका सीना हो और दोस्त की तलवार। तुम ऐसे नहीं मानोगे। पैसा अकान, ले जाओ इस गद्दार को, और अगर कल सुबह तक ये अजरा का पता ना बताए तो कल सुबह इसकी आखिरी सुबह होगी। पैसर हकान, अजरा की चारों तरफ तलाश की जाए। सर और चंगेजी दिरंदों के कब्जे में। एक हिंदुस्तानी भाई अपनी बहन के लिए जान की बाजी लगा देता है, ये सुना था, आज देख लिया। ये
करने के जुर्म में तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। अगर दोस्त को गुनाहों से रोकना खत्तारी है तो मैं खत्तार हूं, अगर भाई के लिए बहन की इज्जत बचाना जुर्म है तो मैं मुजरिम हूं। बिंदुसार, एक दोस्त अपने दोस्त को आखिरी मौका देता है, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे अगर अब भी तुम अजरा का पता बता दोगे। मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर दो और एक एक टुकड़े को अपनी ठोकरों से चीखने के लिए मजबूर कर दो, मगर फिर भी ये हिंदुस्तानी अपनी बहन का पता कभी नहीं बताएगा। खामोश जल्लाद। मुकद्दस रूहों की कसम, कभी कभी अच्छाई से बुराई और बुराई से अच्छाई का पहलू भी निकल आता है। बिंदुसार का गुनाह ना देखो, इसका नतीजा देखो। उस्ताद। हाँ तमोजन, अगर बिंदुसार अजरा को भगाने में मदद ना करता तो आज ख्वारज़म पर हमारी फतह का झंडा ना लहराता। लेकिन फतह के झंडे से हमें अजरा का रेशमी दामन ज्यादा अजीज है उस्ताद। बिंदुसार हमारे और अजरा के दरमियान आ गया, जल्लाद इसे खत्म कर दो। अपना फर्ज अदा किया है, अब बहन अपना फर्ज अदा करेगी। मगर तुम यहां क्यों आए? तुम्हारी मोहब्बत मिट जाएगी। हम ना आते तो इंसानियत मिट जाती। सहराए गोभी के खाकान चंगेज खान, तुम्हारी तलवार के सामने बिंदुसार की जगह हम अपने आप को पेश करते हैं। देखते क्या हो, छोड़ दो इन्हें और खत्म कर दो हम दोनों को। इंसानी मौत का नजारा हमारी चीज नहीं, हम तुम्हारी मौत नहीं मोहब्बत चाहते हैं। लेकिन औरत जिंदगी में एक ही बार मोहब्बत करती है। चंगेज जिंदगी को अपनी नजर से देखता है। ये कोई कमजोर रियासत नहीं, एक औरत का दिल, और आप उसे हरगिज नहीं पता कर सकते। चुप रहो, हम तुम्हें अजरा का दिल फतह करके दिखाएंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा चंगेज, हम तुमको उसी दिन के लिए जिंदा रखेंगे जब अजरा हमारे पहलू में बैठेगी। तुम और ये गद्दार बिंदुसार हसरत भरी निगाहों से अपनी शिकस्त और हमारी फतह देखोगे। पैसर अकान, ले जाओ अजरा को हुजरे में। अजरा, अजरा, मेरे फतह के ख्वाबों को खाक में मिला देने वाली अजरा, अजरा, अजरा। हुजूर, हुजूर, अजरा की वजह से सारी दुनिया को फतह करा दूं तो? हुजूर, ऐसी तरकीब सूझी है कि मंगोलों को दुनिया का तख्त मिल जाए। हाँ हुजूर, सरकारी बात है हुजूर। तख लिया। पो पो। हुजूर, तजवीज ये है कि मैं अजरा को लेकर भाग जाऊंगा। खाकान अजरा के बगैर रह नहीं सकते, इसलिए वो अजरा की तलाश में मेरे पीछे पीछे आएंगे और मैं अजरा को लेकर आगे आगे भागता रहूंगा। वो ख्वारज़्म से हिंदुस्तान, तो मैं हिंदुस्तान से ईरान, वो ईरान तो मैं मिस्र, वो मिस्र तो मैं तहरान, वो तहरान तो मैं, बस ये समझ लो कि इसी चक्कर में दुनिया फतह हो जाएगी हुजूर। और उसके बाद अजरा खाकान को मिल जाएगी, आपको दुनिया का तख्त मिल जाएगा, और मुझे तो आप जानती हैं कि वो एक नजराना है ना लड़की, अपने को तो बस वही चाहिए हुजूर। अब आप ही फरमाइए हुजूर, दुनिया जो ये कहती है क्या गलत है कि चंगेज चंगेज है लेकिन तेज, बहुत तेज है हुजूर मेरा इनाम? निकल जाओ यहां से अजरा को लेकर। मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से। Thank you.
नहीं कटती, एक रात नहीं कटती, जिंदगी कैसे कटेगी जब रात नहीं कटती, एक रात नहीं कटती, जिंदगी कैसे कटेगी। जो आग लगी दिल में अशकों ने बुझाई है, जो आग लगी दिल में अशकों ने बुझाई है, अशकों ने बुझाई है, अशकों ने जो भड़काई आग वो कैसे बुझेगी जब रात नहीं कटती, एक रात नहीं कटती, जिंदगी कैसे कटेगी। दे दे के हमें आंसू ये दुनिया खुशी मांगे, दे दे के हमें आंसू ये दुनिया खुशी मांगे, ये दुनिया खुशी मांगे, जो शाख से टूटी हो कली वो कैसे खिलेगी जब रात नहीं कटती, एक रात नहीं कटती, जिंदगी कैसे कटेगी। दर्द जरा दम ले, मरने की दुआ कर लो, मैं दर्द जरा दम ले, मरने की दुआ कर लो, मरने की दुआ कर लो, अगर हम न मिटे दिल मौत फिर कैसे जिएगी जब रात नहीं कटती, एक रात नहीं कटती, जिंदगी कैसे कटेगी जब रात नहीं। आप यहाँ आपने तो वादा किया था ना? हाँ, हमने वादा किया था। घबराओ, अगर चंगेज जबरदस्ती तुम्हारी मोहब्बत चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, लेकिन हम फूल को तलवार से छूना नहीं चाहते। अजरा, एशिया का खाकान तुम्हारे सामने खड़ा है, जो दुनिया की सारी नेमतें तुम्हारे कदमों में लाकर रख सकता है। मेरी हुकूमतों के सारे महल तुम्हारी राह देख रहे हैं अजरा। सराय गोभी से लेकर ख्वाज़म तक की सारी हुकूमतें तुम्हारे कदमों में रखती जाएंगी, और न सिर्फ ये बल्कि तुम्हारे एक इशारे पर चंगेज के तख्त का साया सारी दुनिया पर पड़ेगा और तुम उस तख्त की रौनक बनोगी। कहो अजरा, तुम्हें क्या चाहिए? कहो। आपकी सारी सल्तनत में सिर्फ एक चीज। वो क्या? मेरे शेरू का दीदार। शेरू, शेरू, शेरू!
कहीं हम अपना वायदा तोड़कर शेरू को हमेशा के लिए तुमसे जुदा ना कर दे। शेरू को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। आप तो इंसान हैं, खुदा भी शेरू को छीनने से पहले अजरा से पूछेगा। हमारे जिस्म दो हैं, लेकिन रूह एक है। अजरा, चंगेज ने आज तक कभी इनकार नहीं सुना। अजरा, अजरा, बगैर तुम्हारी मेरी जिंदगी नामुकम्मल। मेरे सीने से लगकर मेरी जिंदगी को एमोजन, एशिया के खाकान को अपने वादे का पास होना चाहिए। माँ, मैंने कभी ख्वाब में भी न सोचा था कि वो खाकान जिसके सामने सारी दुनिया झुकती है आज अपनी ही आरज़ुओं के सामने झुक जाएगा। अगर मर्द हो तो अजरा का दिल मोहब्बत से जीतो, इसे अपनी गिरावट नहीं अपनी शान दिखाओ। खाकान, ताशकंद, समरकंद और यारकंद के सुल्तानों ने ये तोहफे भेजे और ईरान की तरफ ले आ। ठहरो, ये तमाम तोहफे अजरा की खिदमत में पेश कर। जो हुक्म खाकान। समरकंद के यारकंद के आशकंद के काशकंद के तोपे हैं पुरनूर, तोपे हैं पुरनूर, तोपे हैं पुरनूर। चिनालू 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 यूनान से आया है संदल, यूनान से आया है संदल। हम लाए हैं लाए हैं लाए हैं संदल, हम लाए हैं लाए हैं लाए हैं संदल। ये हिंद से आई है मलमल, ये हिंद से आई है मलमल। इसे पहन कर बन जाएगी तू जन्नत की हूर, तू जन्नत की हूर, तू जन्नत की हूर। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, मुझे ला दो मेरा महबूब, मुझे ला दो मेरा महबूब। चिनालू 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 तो।
का तोहफा ये चीन के रेशम का तोहफा। तुम लोगों को अपनी नजर से क्यों करती हो दूर, क्यों करती हो दूर, क्यों करती हो दूर। ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर, मुझे ला दो मेरा महबूब, मुझे ला दो मेरा महबूब। जिना लू 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 जिना लू। ना मंजूर ना मंजूर, जिना लू 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 जिना लू। चलिया चलिया दिल की महफिल में मेरी जान, दिल की महफिल में तुम मुझसे दूर हो, उल्फत गवारा कर नहीं सकते, मोहब्बत जिंदा रहती है मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसाना ये तो खुदा से डर नहीं सकती। चलिया 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 कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? जानते हुए भी पूछते हो? तुम नहीं जानते, आओ मैं बताता हूँ। उसने ताज और तख्त को ठोकर मारकर इसके पास जा रहा है, रोक सको? नहीं रोक सकते। कौन है ये? वही तातारी सुल्तान जिस फरेबी ने अजरा की बजाय अपनी लड़की आपके हुजूर में पेश की। अभी तक जिंदा है ये। कैसर छीन लो इसकी हंसी। नहीं, नहीं। कैसर ठहरो। शुक्रिया। क्या तुम्हें ये रहम के काम पसंद हैं? जो किसी पर रहम करता है आसमानी रूहें उस पर रहम करती हैं। आसमानी रूहें उस पर रहम करती। कैसर सुल्तान को रिहा कर दो। सुल्तानी को नहीं बल्कि तमाम कैदियों को रिहा कर दो। कैसर हमारी हुकूमत ने मनादी करा दो। आज से किसी का खून नहीं बहाया जाएगा, कोई गुलाम नहीं बनाया जाएगा। आज से चंगेजी फौजें किसी मुल्क पर हमला नहीं करेंगी। हकान ये हमारा फरमान है। जीते रहो तैमूजन, जीते रहो। आसमानी रूहों ने मेरी फरियाद सुन ली। जो काम सारी उम्र एक माँ न कर सकी वो एक लड़की न कर दिखाए। शाबाश बेटी, आओ आओ मेरे साथ, आओ तैमूजन आओ। आपको खाकान ने याद फरमाया है। आप यहां आ गए सुल्तान? अच्छा हुआ, अच्छा। अभी अच्छा नहीं हुआ शेरवा, अच्छा तो उस वक्त होगा जब मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। अगर वक्त ने साथ दिया तो दुनिया देखेगी एक तातारी अपने ऊपर किए हुए जुल्मों का बदला कैसे देता। अच्छा शेरवा,
उस्ताद आजम, उस्ताद, उस्ताद, मेरा सर मुड़वा दो, मेरा सर मुड़वा दो उस्ताद। क्या हुआ? हुआ ये है कि सब सिपाही बेकार हो गए, अब सिपाहियों की जरूरत नहीं, सब भूखे मरेंगे। मुझे शमण बना दीजिए, कम से कम तीन वक्त खिचड़ी तो मिल जाएगी। क्या बकते हो? मैं ठीक बक रहा हूँ। खाकान ने ऐलान करवा दिया है कि आप मंगोल जंग नहीं करेंगे। जंग नहीं करेंगे? हाँ, तमाम कैदखाने खोल दिए गए, तातारी कैदियों को छोड़ दिया गया। तातारी कैदियों को छोड़ दिया? मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। तातारी कैदियों को छोड़ दिया गया है? आपने किस लिए मुझे याद फरमाया? याद है बिंदु सार, हमने एक दिन कहा था कि हम अजरा की मोहब्बत हासिल करके रहेंगे, आज वो दिन आ गया। मैं आपका मतलब नहीं समझा। यही समझाने के लिए तो हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुमने तमाम तातारी कैदियों को तो रिहा होते हुए देखा होगा। जी। जानते हो ये सब किस लिए? सिर्फ अजरा की खुशी के लिए। आज अजरा के चेहरे पर मुस्कुराहट नमोदार हुई है, आज उसने पहली बार हमारा शुक्रिया अदा किया। क्या ये मोहब्बत के आसार नहीं है? खाकान, शायद आप इज्जत को मोहब्बत समझ बैठे। इज्जत? नफरत अगर इज्जत में बदल सकती है तो इज्जत मोहब्बत में भी तब्दील हो सकती है बिंदुसार। माफ कीजिए खाकान, हमारी जुबान से सुनना चाहते हैं। अजरा की खुशी के लिए। अजरा की खुशी के लिए अगर इन कैदियों ने खुतीन बिशबाले बुरा गर्म में तुम्हारी कमजोरी की दास्तान सुनाकर बगावत की आग भड़का दी तो? इस वक्त हम सिर्फ अजरा के बारे में सुनना चाहते हैं। अजरा, 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 अजरा तुम्हारी बर्बादी बनकर रहेगी। आज हम अजरा को खत्म किए देते हैं। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। अजरा तैमूजन की जिंदगी में इंसानियत का चिराग बनकर आई है और तुम उसे बुझाने जा रहे हो। इससे पहले तुम्हें अपनी बहन की जिंदगी का चिराग बुझाना होगा। उस्ताद, अजरा की मौत जरूरी है मंगोल कौम को जिंदा रखने के लिए। हम जा उस्ताद, अजरा की मौत जरूरी है हिंदुस्तान को मंगोल हुकूमत में शामिल करने के लिए। मैं कहता हूँ रुक जाओ उस्ताद, अजरा की मौत जरूरी है दुनिया पर मंगोलों का झंडा लहराने के लिए। उस्ताद रुक जाओ, नहीं तो अजरा की मौत जरूरी है। उस्ताद शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। लोग तुम्हें सारी दुनिया का शहंशाह कहें, मुझे इसकी कोई खुशी नहीं, लेकिन मैं उस दिन खुश होंगी जिस दिन सारी दुनिया तुम्हें इंसान कहेगी, नेक इंसान। आओ मेरे बच्चे। उस्ताद रुक जाओ।
खून खाकान का खून मुकद्दस उस्ताद का खून खाकान के हाथों से है सर खाकान इन्हें हुजरे में ले जाओ اے مقدس روحو شمن آزم کی روح کو سکون نصیب ہو منگول قوم پر رحمت کا سایہ رہے رحم 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 क्या कहना चाहते हो यही ना कि हमने अपने उस्ताद को क्यों खत्म करता हूं जो हजारों सिपाहियों ने कहने की जरूरत नहीं की क्या आपने अपने साथियों का भरोसा खत्म कर दिया परवाह नहीं हमारे जो भी आएगा कुचल दिया जाएगा तुम्हारा क्या हशर होने वाला था उस्ताद का क्या हुआ माफ कीजिए खाकान अगर फिर भी अजरा न मिली तो मुकद्दस रूहों की कसम अगर मुझे अजरा की मोहब्बत न मिली तो मोहब्बत गुनाह करार दे दी जाएगी चंगेज का गम सारे जमाने का गम बन जाएगा मैं मुस्कुराने वालों की मुस्कुराहटें छीन लूंगा दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आग लगा दूंगा तैमूजन मां तुमने देखा दुनिया तुम्हारे तैमूजन की जरा सी खुशी देख ना सकी तुम्हें खुशी मिलेगी मेरे बच्चे जरूर मिलेगी तुम्हारी मां तुम्हारे साथ है वो तुम्हारे लिए अपने भाई की मौत को भी भूल जाएगी तुम इंसानियत के रास्ते पर कदम रख रहे हो बढ़ते चलो कुचल दो जुल्म की आदत चंगेज को खत्म कर दो और फिर से तैमूजन बन जाओ तुम्हारी ये रहम दिली अजरा के दिल को जरूर जीत लेगी जरूर जीत लेगी क्या ऐसा हो सकता है मां अगर ऐसा हो गया तो चंगेज अपने हाथों से चंगेज का गला घोट देगा और मां अगर ऐसा न हुआ तो कोई नहीं जानता कि चंगेज क्या कर बैठे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आग लगा दूंगा क्या सोच रही हो अजरा मैं जानती हूं तुम अपने महबूब के ख्वाब देख रही हो अगर वो ख्वाब पूरा हो जाए अगर शेरू से तुम्हारी शादी हो जाए तुम्हारा छोटा सा खूबसूरत घर हो तुम्हारी गोद में छोटे छोटे बच्चे हो एक तरफ शौहर की मोहब्बत भरी गुफ्तगू हो और दूसरी तरफ बच्चों की तूतली बातें और फिर एक दिन तुम सुनो कि किसी ने तुम्हारे बच्चों को और शेरू को कत्ल कर दिया ये आप क्या कह रही हैं
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो रहा है बेटी, और ऐसा होगा। वो कौन सा घर है जिसका फर्श बच्चों के खून से सूख नहीं? वो कौन सी औरत है जिसके सीने पर शौहर की जुदाई का दाग नहीं? आज मेरे भाई को, अपने उस्ताद को तैमूजन ने खाक में मिला दिया, और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी? मेरी वजह से? जुल्म आपका बेटा करे और इल्जाम मुझ पर? हाँ, तुम पर। मुद्दत हुई तुम जब अपनी झलक दिखाकर तैमूजन से दूर चली गई थी, तो उसने तुम्हारी मोहब्बत से मायूस होकर सारे एशिया को बर्बाद कर दिया था, और अब वो सारी दुनिया में आग लगा देगा। अगर तुमने उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दिया। नामुमकिन। मैं चंगेज से नफरत करती हूँ, और इसका एक ही दिल होता है, वो शेरू का हो चुका। मैं जानती हूँ, लेकिन मोहब्बत का दूसरा नाम कुर्बानी है मेरी बच्ची। सोचती हूँ तैमूजन की भी कोई बीवी होती, उसके यहाँ भी कोई औलाद होती, तब उसे मालूम होता कि खून की आवाज क्या होती है। शौहर के लिए बीवी और बाप के लिए बच्चा क्या माने रखता है। इसलिए मेरी बच्ची, मैं चाहती हूं कि तुम तैमूजन से शादी। मां, तुम भूलती हो, अजरा शादी करेगी तो शेरू से, वरना कभी नहीं। लेकिन ये ना भूलो अजरा कि तुम्हारी शादी की मुकद्दस आग किसी आबादी में लगी हुई आग होगी। तुम्हारी शादी का हार उस चमन के फूलों से बनाया जाएगा जिसे पानी की जगह खून से सींचा गया हो। तुम्हारा घर इंसानी हड्डियों पर बनेगा। तुम्हारी मोहब्बत की नगमों में लाखों इंसानों की चीखें होंगी। ख्याल की नजरों से देखो अजरा, चलती हुई आबादियां, लुटते हुए शहर, माओं की लाशों पर बिलखते हुए बच्चे, बहनों से छीने हुए भाई, शौहरों से जुदा की हुई बीवियां, दुनिया के कोने कोने में आज तुम्हारे सामने झोली फैलाए कुर्बानी की भीख मांग रही हैं। तुमसे कुर्बानी की भीख मांग। बस करो मां, अजरा, ये हार है, अपनी मोहब्बत को बचा लो या इसे तैमूजन के गले में डालकर इंसानियत को बचा लो। देखो अजरा, जलती हुई आबादियां, लुटते हुए शहर, माओ की लाशों पर बिलखते हुए बच्चे, बहनों से छीने हुए भाई, शोहरों से जुदा की हुई बीवियां, दुनिया के कोने कोने में आज तुम्हारे सामने झोली फैलाए कुर्बानी की भीख मांग रही है। तुमसे कुर्बानी की भीख मांग रही है। तुमसे कुर्बानी की भीख मांग रही है। भीख मांग रही है अजरा, कुर्बानी की भीख मांग रही है। तुमसे कुर्बानी की भीख मांग रही है। तुमसे कुर्बानी की भीख मांग रही है अजरा। तुमसे कुर्बानी की भीख मांग रही है। तैमूजन, अब मोहब्बत गुनाह करार नहीं दी जाएगी। अब तुम्हारा गम जमाने का गम नहीं होगा। खुशियां मनाओ तैमूजन, खुशियां मनाओ। अजरा तुमसे शादी करेगी।
माँ। हाँ हाँ मुझे वो देखो। चलिया चलिया दिल की महफिल में मेरी जान, दिल की महफिल में तुम मुझसे दूर हो, उल्फत गवारा कर नहीं सकती, मोहब्बत जिंदा रहती है मोहब्बत मर नहीं सकती, अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती, चलिया 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 परेशान न हो, तुम्हारे गम को मैं अपने दिल में छुपा लूंगी, तुम्हारी आंखों के आंसुओं को मैं अपनी आंखों में बसा लूंगी, शेरू शेरू मुझे अपने सीने से लगा लो, ये दुनिया हमें जुदा कर देगी, ये दुनिया हमें जुदा कर देगी। तलवार से मोहब्बत फतह नहीं हो सकती। वो तो फतह हो चुके थे, लेकिन तुम्हारी आवाज ने अजरा को गुमराह कर दिया। हम तुम्हारी जबान काट कर तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर दी। खाकान, इनकी आवाज मेरे गुजरी हुई जिंदगी की दास्तान है, मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं आप ही से शादी करूंगी। ये लफ्ज अब तुम्हारी जबान पर, ये कोई फरेब कोई साजिश है। उजरा उजरा तुम तो शेरू के लिए दुनिया को ठुकरा सकती थी ना, तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, मुझसे मोहब्बत करती हो, कहा तो तुमने जो कुछ कहा गलत। गलत नहीं शेरू, मैंने फैसला कर लिया। फैसला किया नहीं, मगर तुम्हारी आवाज में ये दर्द ना होता, तुम्हारी आंखों में आंसू न होते, जालिम कैसे खरीद लिया मेरी सल्तनत को तुमने। मोहब्बत की लाश शेरू, देख ली हमारी फतह। अपनी अपनी नजर है चंगेज, तुमने अपनी फतह देखी, मैंने उजरा के आंसू देखे। तो अब हम तुम्हारे आंसू देखेंगे। कैसर खाकान, मगरूर शेर को पिंजरे में डाल दो। अभी अच्छा नहीं हुआ शेरवा, अच्छा तो उस वक्त होगा
जब मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। अगर वक्त ने साथ दिया तो दुनिया देखेगी एक तातारी अपने ऊपर किए हुए जुल्मों का बदला कैसे देता। अच्छा शर्मा, कौन शेरवा जेल से भाग गया? भाग गया? अकलमंद निकला। शकस्त खाए हुए के लिए दो ही रास्ते हैं, मर जाना या मैदान से भाग जाना। कैसर, हमारी शादी का दावतनामा तमाम रियासतों को भेज दिया जाए। जो तैमूजन और इधर आ रहे हैं, मुकद्दस रूहों से दुआ शुरू की जाए। तुमने सुना नहीं, दुआएं शुरू की जाए। शम्मन आजम उस्ताद आज इस दुनिया में नहीं है, हम दुआएं नहीं कर सकते। तैमूजन खाकान, अरे मुकद्दस रूहो जागो, मुकद्दस रूहो करम करो। अरे मुकद्दस रूहो, आज हमारा खाकान जिंदगी के नए रास्ते पर कदम रख रहा है। अरे मुकद्दस रूहो, हमारे खाकान की आरजू पूरी हो। आमीन। अहे मुकद्दस रूहो, खाकान को तौफीक दो कि वो इस नए रिश्ते को अपनी जिंदगी का रिश्ता बना लें। आमीन। अहे मुकद्दस रूहो, खाकान जो कदम उठा रहे हैं उसमें उन्हें कामयाबी हो। आमीन। मोहतरमा, चेहरे पर खुशी लाइए। अए मुकद्दस रूहो, अए के तुम्हारा आसमानों पर कब्जा है, अए के तुमने आसमानों पर खाकान तैमूजन चंगेज खां और मोहतरमा आजरा को शादी के रिश्ते में बांध दिया है, अब उन्हें जमीन पर भी उसी रिश्ते में बांध दो। आमीन। 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 रस्म शुरू की जाए। मोहतरमा आप भी। खाकान। गुस्ताखी माफ का खान, हमारे किले पे हमला होने वाला है। खौतीन, बिशमालक और कुराकरम की तातारी फौजें तूफान की तरह हमारे किले की तरफ बढ़ती आ रही। हमला और हम पर खबर मनहूस है, शादी की रस्म मुलतवी करनी पड़ेगी। शमन, रस्म मुलतवी नहीं हो सकती। आसमानी रूहें खफा हो जाएंगे खाकान, जंग में शिकस्त हो जाएगी। खाकान, जंग में शिकस्त हो जाएगी। तातारियों की ये जुरत, कैसर हमारे लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया जाए। बंदा तखलिया चाहता है खाकान, तखलिया। खाकान, हमारी फौजों ने जंग करने से इनकार कर दिया। जंग करने से इनकार कर दिया? सबब? उस्ताद की मौत। उस्ताद की मौत, और उससे पहले आपका यह ऐलान कि चंगेजी फौजें किसी मुल्क पर हमला नहीं करेंगे। अच्छा, तो उन्होंने हमारी रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया।
तूने सुना माँ, दुनिया तेरे तैमूजन को इंसान देखना नहीं चाहती। कैसर हकान, मेरी माँ और अजरा की हिफाजत की जाए। मेरी एक तजवीज है कि सारी फौज को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। तुम लोग शुमाल से चलो और मैं महल के पीछे से मगरिब से हमला करता हूँ। दोनों लश्कर एक साथ टूट पड़े तो मंगोल दरिंदों के छक्के छूट जाएंगे। मंगोल बहादुरों, आज हमारी जिंदगी में पहली बार बुजदिल तातारियों ने मंगोल शेरों पर हमला करने की जुरत की है। तुम जो मंगोलिया के रेगिस्तानों से आंधी और तूफान बनकर उठे और सैलाब बनकर एशिया पर छा गए, तुम के जिनकी तलवार की चमक से सारी दुनिया की आंखें चुंधिया कर रह गईं, तुम के तुम्हारे घोड़ों की टापों से जमीन का सीना थरथरा उठा, आज जबकि तातारी सिपाही हमारे कले की तरफ बड़े चले आ रहे हैं तो तुम खामोश खड़े हो। इस वक्त ये होना चाहिए था कि एशिया को फतह करने वाली तलवारें बिजली की तड़प के साथ नियाम से बाहर निकल आती और तातारियों को रोककर उनकी खोपड़ियां तलवारों और नेजों की नोकों पर लहराती, लेकिन हम देख रहे हैं कि सराय गोभी में दलदला पैदा करने वाले मंगोल दिलावर सर झुकाए खामोश खड़े। याद रखो, अगर ये सर इसी तरह झुके रहे तो थोड़ी देर में कट करके पड़ेंगे। तो तुम्हारी खामोशी का सबब उस्ताद की मौत है, इसीलिए तुम हमारा उम्र भर का सलूक भूल गए। तुम भूल गए कि हमने तुम्हें हर फतह में बराबर का हिस्सा दिया। हर नेमत पर हम कब्जा कर सकते थे। दुनिया की खूबसूरती, सोने चांदी के अंबार, हीरे हमने तुम लोगों में बांट दिए। क्यों? मंगोल कौम की शान जिंदा रखने के लिए। और हमारी सिर्फ एक खुशी थी, वो अजरा की मोहब्बत, वो भी तुमको और उस्ताद को पसंद ना आई, इसलिए मजबूरन हमें उस्ताद का खून कर देना पड़ा। लेकिन जब हमने मंगोल कौम के सर पर खतरे की तलवार लटकती हुई देखी तो शमशीर का जवाब शमशीर से देने के लिए हम मैदान में आ गए। बोलो, उस्ताद की फतह का ख्वाब कौन पूरा कर रहा है, चंगेज या तुम? जवाब दो, आखिर तुम्हारा आखिरी क्या फैसला है? मंगोल कौम से गद्दारी या तातारियों से जंग? तो क्या तुम ये समझते हो कि चंगेज बगैर तुम्हारे बेकार है? नहीं, चंगेज का नाम तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारा नाम चंगेज की वजह से। चंगेज तुम्हारा खाकान तुम्हारी मेहरबानियों से नहीं बना, वो खाकान बना है अपने जोरे बाजू से। वो इसे आज भी साबित करके दिखाएगा। जब तक चंगेज के दम में दम है और हाथ में तलवार है, मुकद्दस रूहों की कसम, मनुष्य तातारी कभी इस किले में कदम नहीं रख सकता। दुनिया ने फौजों का फौजों से टकराना जरूर देखा है, लेकिन वो आज फौजों से अकेले चंगेज की टक्कर देखेंगी। Thank you.
फौजों के सामने अकेले, क्या कोई नई चाल है? चाल तो तुमने चली है बुद्दिल, हमारी रहमदिली से तुम बच निकले, तुम हमारे ही सामने मुकाबले के लिए खड़े हो। लेकिन इस वक्त तुम हमारे रैंक पर हो, मंगोलों को तुम्हारे टुकड़े ढूंढने से न मिलेंगे। तलवार फेंक कर अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम भूल गए कि तुमने और तुम्हारे बुद्दिल तातारियों ने हजारों बार इस तलवार को सजदा किया। तुम भूल गए कि ये वो तलवार है जिसकी चमक देखकर तुम तातारियों का खून जम जाया करता था। खामोश, इससे पहले कि बहादुर तातारी तुम्हारा सीना छलनी छलनी कर दे, तलवार फेंक दो। कान खोलकर सुन लो बुद्दिल सुल्तान, तुम इस वक्त चंगेज के सामने खड़े हो। हजारों भेड़े मिलकर एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकती। मुकद्दस रूहों की कसम, हमारे कदम तुम्हारी हड्डियों पर चलने के लिए मचल रहे हैं। तो ये बात है, मैंने तुम्हारी जुदाई द्वारा की तुम्हारी जिंदगी और दुनिया को बचाने के लिए हेरू शेरू, शेरू, क्या तुम मेरी तरफ देखोगे नहीं शेरू? मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया शेरू, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। सिर्फ एक बार आंखें खोल कर बोलो कि तुमने मुझे माफ किया। शेरू, तुम तो कहते थे ना मोहब्बत जिंदा रहती, मोहब्बत मर नहीं सकती। अब तुम मुझे अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हो शेरू? अजरा, अजरा, ये तुमने क्या किया मेरी बच्ची? आई तुमने क्या किया? तभी जल्दी करो, जल्दी करो। मैंने सोचा था अजरा की मोहब्बत कुर्बान करके लाखों को कुर्बान होने से बचा लूं, मगर ऐसा न कर सकी, ऐसा न हो सका। मुझे माफ करना मेरी बच्ची, मुझे माफ करना। अभी सांस बाकी है,
कोशिश करना मेरा फर्ज है, लेकिन दवा की हद तो खत्म हो चुकी है, अब दुआ के सिवा कोई चारा नहीं। आज चंगेज जिंदगी में पहली बार दुआ के लिए हाथ उठा रहा है। तुमने मेरी कौम की हर आरजू पूरी की, क्या मेरे दिल की एक आरजू पूरी न करोगे? एक लम्हे के लिए अजरा को होश में ले आओ। तुम सब भी दुआ के लिए हाथ उठाओ, शायद शायद किसी की आवाज आसमान तक पहुंच सके। जिंदगी और मौत में जंग हो रही है, अपनी तलवार की एक ही वार से इस जंग को खत्म कर दो। रुक क्यों गए काका? तुम्हीं ने तो कहा था ना, इंसानी मौत का नजारा तुम्हारे लिए नया नहीं। तलवार ने बेशुमार सीने चाक किए, इस तलवार ने मुल्कों और कौमों की किस्मतों का फैसला किया, इस तलवार ने लाखों तातारियों के खून से एशिया की नई तारीख लिखी, मगर यह तलवार खून और गोश्त के एक छोटे से टुकड़े को, जिसे दुनिया दिल कहती, फतह न कर सकी। ए फाता ए मोहब्बत, दुल्हन मुबारक हो, और देख आज एशिया के फतह करने वाली ताकत ने मोहब्बत के सामने हथियार डाल दिए।